नालागढ़ में निजी स्कूलों द्वारा रीएडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है, जिसके विरोध में नालागढ़ की ढांग व राजपुरा पंचायत के दर्जनों लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने उपमंडला अधिकारी के माध्यम से हिमाचल सरकार को शिकायत की है। जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। क्षेत्र में लगभग सभी निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा बच्चों के बेहतर भविष्य के नाम पर अभिभावकों से एडमिशन के लिए मोटी रकम ऐंठी जा रही है, जिसके विरोध में नालागढ़ में निजी स्कूलों की मनमर्जी के खिलाफ लोगों ने रोष जाहिर किया है और नालागढ़ एसडीएम को शिकायत की है। लोगों का कहना है कि नालागढ़ में निजी स्कूलों में अन्य फंड की आड़ में री एडमिशन करवाई जा रही है और सरकार इन पर अंकुश लगाने में असफल हो रही है। उन्होंने कहा कि फंड्स के नाम पर 50,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं और रकम वसूलने के बाद भी बच्चों को बेहतर शिक्षा व सुरक्षा नहीं दी जा रही है। महिलाओं ने कहा कि उन पर स्कूल से ही स्कूल यूनिफॉर्म व किताबें आदि खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है। उन्होंने निजी स्कूलों द्वारा जारी की गई रसीदें दिखाते हुए सरकार से मांग की है कि इन शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। असि जदों एडमिशन करवाउन गए सी तां असि उन्हां नूं कहा सी कि भी तुसी बसां दी फीस वधा दित्ती है जी, साडी इंश्योरेंस आ जिहड़ी उह 60,000 हो गई है, इस लई असि बच्चे दी फीस आ जिहड़ी 800 रुपए कर दित्ती गई है जी, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਟੋਟਲ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾ ਦੂੰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੋਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਅਲਪਾਈਨ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪ ਕੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, 6 ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਤੀ। ਕਿਤਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਿਤਨਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12,500 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਨਵੈਂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। LKG UKG ਜੋ ਕਲਾਸੇ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਤੋ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੇ ਤੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ, ਫੰਡ ਚਾਹੀਏ, ਯੇ ਚਾਹੀਏ, ਵੋ ਚਾਹੀਏ। ਜੋ ਬੈਨੇ ਹੈ ਇਨਕੀ, ਉਸਕਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 800 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। इस बारे में निजी स्कूल के प्रबंधक अपना बचाव करते नजर आए और रीएडमिशन नहीं लेने की बात भी कही, लेकिन उन्होंने लिए जा रहे फंड्स के नाम पर पैसे लेने को स्वीकार करते हुए कहा कि स्कूल चलाने के लिए पैसे लेने पड़ते हैं। नहीं, वर्दियों का स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, बाकी फंड जो फंड की बात है कोई बात ही नहीं। और जैसे कई लोगों का सर कहना है कि हमारे से बिल्डिंग फंड लेते हैं 12,000 रुपया, हमारा स्कूल नहीं लेता। री एडमिशन तो हमारा स्कूल लेते हैं जी, एनुअल चार्जेस होती हैं साल के जी, हमारे स्कूल का मेंटेनेंस का, ठीक है जी, एग्जामिनेशन के खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी की होती हैं, फर्नीचर के खर्चे होते हैं, स्मार्ट क्लासेज लगवानी होती हैं, वेल क्वालिफाइड स्टाफ रखना होता है जी, ठीक है जी, प्योरीफाई वाटर वगैरह सभी फैसिलिटी उपलब्ध करवानी होती है, वो सारा कवर करना पड़ता है। नालागढ़ के उपमंडलाधिकारी प्रशांत देष्टा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही एडमिशन के खिलाफ लोगों का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सरकार काफी गंभीर है। उन्होंने लोगों को उचित कार्यवाही करने का भी आश्वासन दिया। इस विषय के लिए काफी गंभीर है, एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से बन रही है उसमें इन चीज़ों पर खास ध्यान दिया जा रहा है, और जो हमारे सब डिवीज़न में इस तरह की अगर कुछ अनियमितताएं पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होती है। अब देखना यह है कि आश्वासन मीडिया में बयान देने तक सीमित रहता है या सचमुच जमीनी स्तर पर इस पर कार्यवाही कर अमलीजामा पहनाया जाता है। सिटी चैनल के लिए नालागढ़ से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।